दिस सीरीज रिलेटेड टू द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सो कल हमने एक लेक्चर अपलोड किया था द रिलेटेड टू कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में आप डायरेक्ट मेथड को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल शॉर्टकट मैथड। कंटिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मैथड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हमारे पास एक ऑप्शनल है जिसे 10 to 20 मार्क्स दिए हुए हैं। सॉरी, हम लेंगे इसको 0 to 10। सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। कंटिन्यू सीरीज में पहचान करने के लिए हमारे पास क्लास इंटरवल होती है, वो ही आपकी कंटिन्यू सीरीज है। और ये सीरीज जो है एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट के बराबर है। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आपके पास फ्रीक्वेंसी, इसको हम एक्स बोलेंगे और इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 12, 30, 45, 50, 37 एंड 21। आप इसको प्लस कर लोगे सिग्मा एन, या फिर जिसको सिग्मा एफ हम बोलते हैं, सिग्मा एन को हम सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। तो हम टोटल कितना आएगा, 17 + 30 = 47 + 50 = 45, 50 + 37 + 21 करना है, तो ये 200 निकल आएगा। अब हमारे पास शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो हमें अज्यूम मिल लेना है, उसके बाद हमें डेविएशन निकालनी है। dx का मतलब है डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, एंड या फिर हमारे पास फॉर्मूला इस वे में होता है या तो फॉर्मूला दूसरे वे में होगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है, या तो आपके बुक्स में अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन दिया होगा, या तो अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन दिया होगा। तो सबसे पहले तो हमने कंटिन्यू सीरीज में मिड वैल्यू निकालनी है, एम निकालते हैं हम। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 0 + 10/2, इट्स मीन 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब मिड वैल्यू से हम अज्यूम मीन लेते हैं, तो माना फॉर एग्जांपल मैंने अपने स्टेबिलिटी के लिए अज्यूम मीन 35 ले लिया है, तो डी कैसे निकलेगा, एम माइनस ए, जिसको हम डी एक्स भी बोल सकते हैं या सिंपल डी भी बोल सकते हैं। अब डी एक्स इक्वल टू एम माइनस ए, मिड वैल्यू माइनस अज्यूम मीन, तो हम क्या करेंगे, 5 - 35 - 30 निकल जाएगा। 15 से 35 की आपके माइनस करेंगे -20, 25 - 35 - 10, 0, 10 + 10 + 20 एंड + 30। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है, एफ डी एक्स निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी को हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो -50, 12 * 2 = 24, तो आपके पास जो ये वैल्यू आ जाएगी 240, -240 -300, 0, ये आपके पास 500, 740 एंड 630। तो आपके पास माइनस वाली फिगर को अलग से प्लस कर लें, प्लस वाली को अलग से, तो माइनस वाली जो फिगर है वो बन रही है -690, और प्लस वाली फिगर जो है आपकी टोटल बनेगी 870। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी जो फिगर है वो प्लस में आएगी। एफ डी एक्स इक्वल टू 1870 में से आप 690 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1180 निकल के आ रही है। अब उसके बाद जो है, अब हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मीन निकालेंगे। मीन इक्वल टू अज्यूम मीन लिया था हमने 35, सिग्मा एफ डी एक्स कितना है, 1180 डिवाइडेड बाय एन कितना है, 200। तो आपके पास जो है वो वैल्यू हमने निकालनी है, 5 * 2 = 10 एंड 9 * 2 = 18, 35 + 59, सॉरी 5.9 जो है वो निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे 20 बच रहा है। सो यहाँ पे 5.9, सो 35 + 5.9 = 40.9, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ओके, तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है। उसी तरह जो है आप अगर स्टेप डेविएशन मेथड निकालते हैं तो वो किस तरह से निकलेगा।
स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को और नाम से भी जाना जाता है, इट्स नोन एज कोडिंग मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को हम कहते हैं कोडिंग मेथड। द फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन इक्वल टू मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी। कुछ बुक्स में आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा, मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी। अब सी क्या होता है? कॉमन फैक्टर जिसे आपने डिवाइड किया होता है। और डी एक्स बार कैसे निकलेगा? एक्स माइनस अज्यूम मीन डिवाइडेड बाई सी। या तो हम यहाँ पे एफ डी बार निकालते हैं, तो डी बार कैसे निकलता है? डी अपॉन सी करके। तो आप किसी भी मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास 5, 12, वो ही सेम मेथड हम ले रहे हैं, 30, 45, 50, 37 एंड 21 है, जिसमें आपका एन निकला था 200। अब सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही रहेगी, 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे? डी एक्स बार निकालना है, तो एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन सी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉमन फैक्टर हम क्या ले सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर जो है वो यहाँ पे हम जैसे इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है वो 10 का है, तो 10 हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमेशा याद रखना कैसे लेंगे, जैसे अज्यूम मीन हमने 35 लिया है, तो 35 - 5 जो है वो आपके 30 बच रहे हैं। फिर 15 में से 35 लेस करेंगे तो आपके पास 20 बच रहे हैं। तो अब 10 से डिवाइड इजिली हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर हमने 10 लेना है। तो कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? 5 - 35 / 10, तो आपके पास कितना आ जाएगा? -3। उसी तरह से आपके पास 15 - 35 / 10 इक्वल टू -2, 25 - 35 / 10 इक्वल टू -1, ये 0 हो जाएगा। 45 - 35 / 10 इक्वल टू +1, 55 - 35 / 10 इक्वल टू +2, 65 - 35 / 10 इक्वल टू +3। तो आपके पास आपने निकालना है एफ डी एक्स बार। तो एफ को 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, 12 को -2 से -24, -13 एक्स 0 ये आ जाएगा 50, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये +74 नेक्स्ट आ जाएगा आपके 21 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से +63। तो -15 - 24 - 30 इक्वल टू -69, 50 + 74 + 63 = 187। तो इन दोनों को आप लेस कर दोगे तो आपके पास सिग्मा एफ डी एक्स बार जो है वो 118 आ जाएगा। अब मीन निकालना है हमने, तो मीन का फॉर्मूला जो है लगाएंगे, अज्यूम्ड मीन 35 लिया है प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बार 118 लिया है, कॉमन फैक्टर 10 से मल्टीप्लाई करना है, एन नंबर आपके पास 200 है और आपके पास ये 5.9 आया था, तो 35 + 5.9 इक्वल टू 40.9 यानी कि अप्रोक्सीमेट 41 जिसको हम ले सकते हैं, उस तरह से ये कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कहीं पे आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप उसको जो है वो इजली देख लें। अब कई बार जो है आपको क्वेश्चंस ये होते हैं, अब आप वन बाई वन देखते हैं, अगर आपको कुछ याद होगा कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभार आपके पास ऐसा डाटा अवेलेबल होता है कॉम्प्लिकेटेड जैसा, तो आप उस टाइम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे? जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपके पास एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 से 7, 12, 8 से 11, 12 से 16,
सेवनटीन से 19, 20 से 27, 28 से 37, 38 से 47 दी होती है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एंड साथ में फ्रीक्वेंसी आपके पास दी हुई है 10, 23, 28, 24, 20, 50, 30, 29, 8 एंड 3। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे देखो मिड वैल्यू लेनी है सबसे पहले। 0, 1, 2, 3 ऑलरेडी मिड वैल्यू है एक, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा आपको। यहाँ पे आप 4 + 7 / 2 करोगे तो आपके पास 11 / 2 5.5 आ जाएगा, 19 / 2 आपके पास 9.5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 28 / 2 आपके पास 14 आ जाएगा, 17 + 19 / 2 आपके पास 18 आ जाएगा, 47 / 2 आपके पास 23.5, 28 + 37 / 2 32.5, 38 + 47 करना है, उसको भी 2 से डिवाइड करना है, 42.5। तो आपके पास देखो यहाँ पे जो है वो मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर क्वेश्चन आपको पहले तो डिस्क्रीट सीरीज में दिया है 0, 2, 1, 3 एंड उसके बाद आपकी कंटिन्यू सीरीज होगी है, तो ये जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आपकी मिड वैल्यूज होगी, उसको हमने मिड वैल्यू लेना है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आपने क्या करना है, सिग्मा एफ करना है। फ्रीक्वेंसी का आपने टोटल करना है 8, 9, 10, 11 + 4 = 15 एंड आप इसका 22 टोटल, यानी कि 225 जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। तो हम सिंपल इसमें जो है वो एफ एक्स निकालेंगे, तो एफ एक्स का इट्स मीन कि आप जो है वो 0, 1, 2, 3 इनसे अपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो 0 वैल्यू आ जाएगी, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 72, 20 को 5.5 से मल्टीप्लाई करना है 110, 50 को 9.5 से मल्टीप्लाई करना है 475, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास 420 आ जाएगा, 18.0 को 20 से मल्टीप्लाई करना है अब तो 360, 23.5 को 9 से मल्टीप्लाई करें 60, 42